फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज हम कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, आलू और कटहल की। कटहल इसमें अभी उबल रहा है, अब इसका सीटी नहीं निकला हुआ है। पहले इसको इसमें उबाल रहे हैं, एक सीटी लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, एक सीटी लगकर। अब थोड़ा सा आलू दिए हैं, दो तीन आलू, थोड़ा सा आलू देते हमको अच्छा लगता है ज़्यादा खाने में। और ये सब मसाला है, इसको थोड़ा सा फिर पीसना होगा। चार पांच मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, थोड़ा सा अदरक देने से थोड़ा सा स्वाद अच्छा होता है। अब थोड़ा सा इसमें गोलकी और जीरा पाउडर भी दे सकते हैं, गोटा तो गोटा भी डाल दीजिए। हम गोटा डालते हैं, गोटा डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। पहले हम आलू फ्राई करेंगे अच्छे से, तेल डाल के अच्छे से फ्राई कीजिएगा, लाल करके एकदम सुनहरा हो जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हम सरसों का तेल में बनाते हैं, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल को चारों ओर घुमा दीजिए कि कढ़ाई में चिपके ना, अच्छे से फ्राई हो। हो गया, अभी गरम हो रहा है, पाँच मिनट, दो तीन मिनट लगेगा गरम होने में। इधर मेरे कटहल भी उबल गए हैं, ये देखिए। बस थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लग जाएगा ना तो ये फिर देखिए। ये देखिए उबल गया है, देखिए हल्का सीज गया, बस ये हो गया है, बस इतना ही उबालना। ज़्यादा उबल जाएगा ना ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हम छान के निकाल लेंगे। पहले आलू फ्राई कर लेते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। आलू को बढ़िया से फ्राई कीजिएगा तब टेस्ट अच्छा आएगा, ऐसे ही ऊपर से डाल दीजिएगा ना टेस्ट नहीं आता है। बहुत कोई आलू डालता है, बहुत कोई नहीं डालता है, लेकिन हम आलू डालते ही हमेशा खाते, इसलिए हमको अच्छा लगता है। ऐसे बिहार में बहुत कोई नहीं डालता है, आपका मन है आप डालिए तो डालिए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं, पर टेस्ट नहीं बिगड़ेगा, टेस्ट अच्छा ही रहेगा। अब मैं इसको कटहल को अच्छे से पानी निकाल लेती हूँ। मेरा मसाला अब जा रहा है, उसको हम अच्छे से ग्राइंडर कर लूँगी। और इधर मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ा जैसे मछली तलते हैं ना वैसे ही आलू को भी तल के निकालूँगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा और होगा, पलटा दे रहे हैं। ज़्यादा तेल डालिएगा जल्दी फ्राई हो जाता है, तो हो गया है। आपको तेल ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि तो इसी में मैं कटहल भी फ्राई करूँगी तो फिर हो जाएगा मेरा। तब तक मैं इधर मसाले पीस लेती हूँ। मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लूँगी अच्छे से। देखिए इधर मैं कटहल भी अच्छे से भाप ली थी कुकर में, अब इसको निकाल के रख दी, थोड़ा सा इसका पानी अच्छे से गल जाए। इधर मेरा मसाला तैयार हो गया है, आधी लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। इधर आलू भी निकाल ले रही हूँ, पूरे रेड हो चुके हैं। अब इसको एक थाली में बढ़िया से निकाल लूँगी मैं।
गाइस कटहल अब निकल गया है, इसको आलू निकाल लिए हैं फ्राई करके, और इसको हम कटहल को अच्छे से डाल देंगे। इसको ऐसे ही फ्राई कीजिएगा अच्छे से। दो बार की फ्राई हो जाएगा, दो बार में अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये। ऐसे बनाइएगा ना, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, कभी ट्राई कीजिए आप लोग बना के। ये कटहल जल्दी बन गई है, और आलू फ्राई किए थे ना थोड़ा सा, आलू को हम कटलेट बनाएंगे। आलू कटलेट बहुत अच्छा लगता है खाने में, इधर थोड़ा सा निकाल के इसमें मैं दही जमा लूँ, दही थोड़ा सा फिर डाल के। आलू कटलेट बोला जाता है या क्या बोला जाता है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसको। दही को दही थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, इधर कटहल भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा आँच कम कर देती हूँ, इधर मेरा चावल बन रहा है, चावल थोड़ा सा बन रहा है। अब ये हो गया है आलू कटलेट, इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। आलू कभी फ्राई करते हैं ना, हम ऐसे ही बना लेते खाने के लिए। हो गया मिर्ची पाउडर, इसमें थोड़ा सा काला नमक, काला नमक, और ये कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा जीरा पाउडर दे दिए। जीरा पाउडर मैं अभी भुना हुआ नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसमें इमली दिए थे, इमली का पानी थोड़ा सा, हो गया इमली का पानी। बहुत मीठा, आपको खट्टा जैसे पसंद है। ये हम नहीं खाएंगे, मेरे हस्बैंड खाएंगे, हम ऐसे ही ज़्यादा खट्टा नहीं खाते। और ये नमक है, खट्टा मीठा स्वाद वाला नमक है, थोड़ा सा हम ये नमक ऊपर से डाल देते हैं। इसको ऐसे ही मसाला नमक बोला जाता है, हल्का सा बस। हो गया, आप कभी से ही खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कटहल भी तल दिया है, इसमें थोड़ा सा हम हल्दी दे देंगे। एक चम्मच हल्दी, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच कोशिश करें। हो रहा है अभी आलू कटलेट, अब ऐसे करके बहुत टेस्टी लगता है, कभी खा के देखिए बना के। बस कोई बहुत आसान रेसिपी, कोई भारी चीज़ नहीं है, बस कभी आलू फ्राई किए तो हो गया। इसको थोड़ा सा निकाल के दही मिली जीरा पाउडर मिर्ची पाउडर नमक डाल के अब खाइए। मैं आती हूँ अपने हस्बैंड को देख के, उससे मेरे कटहल भी फ्राई हो चुके हैं, उसको मैं निकाल दूँगी। अब मैं निकाल ली हूँ थोड़ा सा फ्राई करके। ये ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है काला काला कटहल है ना, तो ऐसे लगता है उसको फ्राई करने के बाद। इसको फिर मसाले में फ्राई करेंगे। मसाला के लिए बस प्याज है, और ये दो टमाटर है, और जब मसाला हम पहले मिर्ची लहसुन आदि का बना लिए थे, फिर अब हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस प्याज मसाले को भूनूंगी, तो इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये बन जाएगा।
ये ऐसे मतलब उसको उबालिएगा ये कि ज़्यादा ना उबले, अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ये सीझ गया है, आ रहे हैं जी। मेरी बेटी रो रही है ना तो वही बुला रहे हैं। इसको फ्राई होने देते हैं, बस 2 मिनट के बाद इसको हम निकाल देंगे। इसको हम पूरा निकाल लिए अच्छे से, इधर आलू है इधर कटहल है, थोड़ा सा इसमें और तेल डाल देंगे हल्का सा। धोल धोल, तेल गर्म हो चुका, 2-3 तेज पत्ते डाल दिए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से फ्राई कीजिएगा तो ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर कैमरे में भाप जो पड़ता है ना उससे धुंधला हो जाता है कैमरा। प्याज अभी फ्राई हो जाएगा, जो थोड़ा सा और बचा वो डाल देते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अब इसको ढक ढक के, प्याज को बढ़िया से ढक ढक के बनाइएगा। ढक ढक के मतलब इसको भूनिएगा तो जल्दी ये अच्छा हो जाएगा। इधर चावल भी मैं दाल हम पहले ही बना चुके हैं, बस चावल और इधर सब्जी बना रहे हैं। 5 से 7 मिनट के बाद ये हो जाएगा अच्छे से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है सब्जी, और कभी बना के ट्राई कीजिएगा कटहल का। हर कभी कभी नया नया तरीके से बनाना चाहिए कोई भी चीज़, हो सके तो अच्छा लगे ना तो ख़राब लगे, ये दोनों में एक चीज़ ज़रूर लगेगा। पर ऐसे ख़राब तो नहीं लगेगा, जितना हो सके अच्छा ही लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा है इसमें। मेरी मम्मी लोग ऐसे ही बना देती है सिंपल, आलू मसाला भून के ऐसे ही फ्राई कर लेती है सिंपल से, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। मैं मिलती हूँ 5 मिनट के बाद, जब तक प्याज अच्छे से फ्राई हो जाता है। प्याज हो गया लगभग थोड़ा फ्राई होगा, नमक दे देंगे ना प्याज थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा। ये घर रोड पे है ना तो थोड़ा सा गाड़ी उड़ी का आवाज आता है बीच बीच में, मेन रोड पे इसके नीचे से हमेशा आवाज आते रहता है। प्याज को थोड़ा सा और ढक के 2-3 मिनट और पकेगा, हो जाएगा। चावल भी मेरा हो गया लगभग, थोड़ा सा और होगा 2-3 मिनट। प्याज हो गया है तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची का ऐसा नहीं ना कभी कभी लग जाता नाक उसमें चला जाता है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए, छोटा चम्मच है ये, छोटे चम्मच से 2 चम्मच
क्योंकि पहले भी हम कटहल में भी डाल दिए थे ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा कम ही डालिएगा। ये जब फ्राई होगा ना तो कलर आ जाएगा, छोटी हरा मिर्च डालते हैं ना इसलिए कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है इसका। थोड़ा फ्राई कीजिएगा जब तक थोड़ा सा तेल छोड़ दे। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, देखिए बस सब कलर आ जाए और क्या। थोड़ा सा कलर आने के लिए, हल्का तीखा भी होता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाले आधा चम्मच। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे, दो कटा हुआ टमाटर। हमको टमाटर बहुत पसंद है, हर चीज़ में टमाटर डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। इसको बढ़िया से अब ढक के पकाएंगे। ऐसे बना के देखिएगा, खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। मेरा चावल इधर हो गया, हम चावल को पहले उतार लेती हूँ। ये मसाले अब पक गए हैं, पूरे अच्छे से एकदम फ्राई कीजिएगा, एकदम कच्चापन ना लगे खाने में। देखिए ऐसे मसाले फ्राई होने के बाद कलर आ गया है। इसको चलाते चलाते थोड़ा सा छोलनी से दबा दीजिएगा ना, तो ये मसाला खड़ा खड़ा नहीं दिखेगा। टमाटर है, प्याज, ये सब कुछ खड़ा रह जाता है ना। अब इसमें दो तीन मिनट के बाद हम इसमें कटहल लिए और आलू डाल देंगे। नमक हम मसाला में ही डाल दिए थे, मसाला के जार में ही। मिर्ची का जो पाउडर उड़ता है नाक में, ऐसे ही नाक उधर ये रहता है। थोड़ा सा और दो तीन मिनट छोड़िए, थोड़ा कटहल डाल दिए, कटहल को थोड़ा मसाला में मिलेगा ना, तब तक वो अच्छे से हो जाएगा। कोई ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही अच्छे से नमक हल्दी करके फ्राई कर चुके थे। अब इसमें से मसाला इतना, मतलब इसको भूनेंगे कि मसाला मिल जाए। फिर इसको कम से कम 5 मिनट भूनना है। पाँच छः मिनट, 7 मिनट भी हो सकता है, जब तक थोड़ा सा ऑयल ना निकले। इसको ढक ढक के भूनिए, जल्दी ये अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं इसको हटा के, और देखिए ये इसमें तेल छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाले हैं, हल्का सा।
थोड़ा सा पानी डाल दिया है ना, तो इसमें थोड़ा सा मसाला अच्छे से मिल जाएगा कटहल और आलू के अंदर। आंच को हल्का मीडियम रखते हैं, इसको भून रहे हैं। पहले से फ्राई करने के बाद ना थोड़ा कम भी भूनने से अच्छा टेस्ट आ जाता है। पहले ही पूरा फ्राई कर चुके थे ना, बहुत तो कम फ्राई करके भी बनाता है, ऐसे भी बनता है, बहुत तरह से बनता है, जैसे आप बनाना चाहें। देखिए इसमें ऑयल पता नहीं चल रहा था, देखिए अब कितना पता चल रहा है, इसमें नहीं लग रहा था कि अब अच्छे से ये हो चुका है। और इसमें हम कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाले, ऊपर से सिर्फ मिर्ची पाउडर डाले हल्का सा। ये सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है, ये क्योंकि फ्राई हुआ है ना इसलिए ऐसा दिख रहा है लाल लाल। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में जब हो जाएगा ना तो हल्का सा गर्म मसाला डाल दीजिएगा। गरम मसाला डालने से ना ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। मेरे पास गरम मसाला पहले से घर में ही बना के रखे हुए थे, गोटा गरम मसाला को भून के पाउडर बना के रखते हैं। पैकेट वाला उतना सेंटर्ड नहीं रहता, घर वाला जो बनाते हैं बहुत अच्छा रहता है। दोपहर का खाना आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जिसका जिसके साथ आपको मन करे, दोनों के साथ ही ये टेस्टी लगता है खाने में। किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा ही लगेगा। अभी दोपहर का टाइम है बना रहे, इसलिए हम चावल के साथ खाएंगे। चावल सब्जी दाल, दाल थोड़ा सा लेते, दाल हमको अच्छा लगता है, पर कटहल जब बनता है थोड़ा सा दाल हम कम खाते हैं। मेरी छोटी सी बेटी है ना, उसके लिए हम थोड़ा सा दाल बनाना ही पड़ता है हमको डेली। दोपहर में सिर्फ चावल दाल खाते हैं ना हल्का सा। अब देखिए ये हो गया, थोड़ा मसाला अच्छे से भून गया। और इसमें पानी डाल देंगे, जैसा आपको ग्रेवी पसंद है, हम लोग हल्का सा ग्रेवी रखेंगे। ज़्यादा ग्रेवी करिएगा ना तो टेस्ट भी ये बिगड़ जाएगा इसका। अच्छे से भून गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी भी हल्का डालें, देख लेते कितना पड़ेगा, थोड़ा सा और क्योंकि अभी ही मसाले पेस्ट जाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा जार इसी से हम डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा हो गया, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बस दो ही दो चार पाँच मिनट में ही अच्छे से पक जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं, दो तीन मिनट, दो तीन मिनट के बाद फिर इसमें गरम मसाला डाल के हो जाएगा ये। फिर इसको दो तीन मिनट पकाएंगे तो बन जाएगा। इसको ढक के पाँच मिनट के लिए, पाँच से सात मिनट के लिए छोड़ देते हैं आँच को कम करके। हो गया सात आठ मिनट हो गया लगभग, अब हो जाएगा, देख के आते हैं इसको। चुका है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा एक चम्मच इसमें ऐसे किया हुआ है ना, ढक्कन से निकल जाता है इसलिए।
एक चम्मच डाल दें। देखिए इसका ग्रेवी भी पूरा ठीक हो गया है। ऐसे बनाइए ना, थोड़ा सा मटन का स्वाद आता है, बोलता है ऐसा ही नहीं। और कटहल तो कटहल ही जैसा लगेगा, मटन तो नहीं लगेगा, लेकिन आता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए इसका ग्रेवी ऐसे, जैसे गैस ये बंद कर देंगे ना, तो ये 5 मिनट के अंदर पूरा ठीक हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा भी नहीं। ये हो चुका है, 2 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेते हैं। 2 मिनट इसमें खाने निकाल देंगे। अब ये हो चुका है, अब गैस को हम बंद कर देते हैं। इधर मसाला डालने के बाद 2-3 मिनट हो चुका है, ये हो चुका है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर दीजिए, इसको हम निकाल के दिखाते हैं ये कैसा बना है। आप ऐसा करके आप खा सकते हैं खाना। खाना निकल चुका है, ये देखिए मेरा चावल, कटहल की सब्जी और ये थोड़ा सा सलाद ऐसे ही है। अब ये सब्जी ऐसे है, अब इसको हम रख देते हैं ढक के। ये देखिए बहुत अच्छा आ गया है, इसका कुछ देर के बाद ही ना और ठीक हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा ठंडा होगा ना 2-4 मिनट में, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखिए और कमेंट कीजिएगा कैसा बना मेरा कटहल का सब्जी। थैंक यू गाइस देखने के लिए, मिलती हूँ। खाना देने जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को, दोपहर 2 बज चुका है ना। थैंक यू गाइस देखने के लिए।